हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंस्टेंट और क्विक थाली लेकर के आई हूँ। चूँकि आप सबको पता है कि होली आने वाली है और होली में बहुत सारे पकवान बनते हैं तरह तरह के, और क्यों ना बने, क्योंकि इसका मज़ा ही इसी में है। होली खेलने का मज़ा तो खाने के बाद ही आता है। तो इसलिए मैं इंस्टेंट और क्विक एक आपके लिए नॉनवेज थाली की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें मैंने मटन बनाया है, कटहल की सब्ज़ी बनाई है, दही बड़ा, राइस और इंस्टेंट मालपुआ बनाया है, और साथ ही ठंडाई भी बनाई है। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है मटन। तो यहाँ पे मैंने करीब 1 किलो के करीब मटन लिया है, इसे अच्छे से धो के वॉश कर लिया है मैंने। और ये देखिए, सबसे पहले हमने कुकर चढ़ाया और कुकर में अब हम डालेंगे ऑयल। तो यहाँ मैं सरसों ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो करीब मैंने 1/2 कप ऑयल डाला है इसमें। आपको अगर लगे तो आप ऑयल कम भी कर सकते हैं, बट मटन में थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही पड़ता है। फिर कुछ खड़े मसाले मैंने लिए हैं, तेज़पत्ता, लाल मिर्ची, बड़ी इलायची, लौंग, और इन सब को भी ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मसालों को हमें फ्राई करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है करीब 7 से 8 प्याज, जिसे मैंने इस तरह से कट करके रखा था। प्याज मटन में बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए आप उसका ध्यान रखें कि कितना मटन है, उस हिसाब से आप क्वांटिटी के हिसाब से आप प्याज को डालें आप उस हिसाब से। अब देखिए, प्याज थोड़ा सा पिंक कलर में आ गया है, तो अब ये मटन जो हमने वॉश करके रखा था उसको भी हम साथ ही साथ डाल देंगे। तो मैं ये बिल्कुल क्विक मटन की रेसिपी बता रही हूँ आपको, बहुत खाने में टेस्टी होता है, फटाफट से बन जाता है। तो ये नहीं कि मटन बनाना है तो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और टाइम नहीं है, तो फटाफट से बनाना है। कोई मेहमान आ गया है, होली में इंस्टेंट किसी को बुलाया, तो बस मटन को भी साथ में फ्राई किया प्याज के, थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, उसके बाद हमने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर। तो करीब मैंने इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, जीरा पाउडर डाला मैंने। उसके साथ ही मैंने इसमें डाला है मटन मसाला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ब्लैक पेपर पाउडर, और इन सब को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए, अब इसमें मैंने डाला नमक, तो नमक डाले स्वाद अनुसार, और उसे भी अच्छे से आप मिक्स कर दें। नमक डालने के बाद प्याज थोड़ा और अच्छे से गल जाता है, तो नमक डाल दे और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दे। इसे बीच बीच में चलाते रहे, फ्राई करते रहे, वरना ये नीचे मसाले जलने लगेंगे। तो मीडियम आंच में इसे चलाते रहना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरक लहसुन के पेस्ट से इसकी ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं इसमें बस प्याज डाल रही हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी अच्छी बने और इसे अच्छे से फ्राई कर लें। तो ये देखिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाला है थोड़ा कलर के लिए, तो बहुत ही थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ कलर के लिए बस। ये देखिए, मटन तब तक फ्राई हो रहा है, तब तक हम बनाएंगे यहाँ पे पुआ के लिए घोल। तो इंस्टेंट पुआ का घोल होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप आटा, और उसके साथ ही साथ इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे ब्लैक पेपर पाउडर, बड़ी इलायची, और यहाँ पे डाला है मैंने सौंफ। इन सब को अच्छे से हम कूट लेंगे। मसाले जितने फ्रेशली कूटे हुए रहते हैं, उसका स्मेल बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये जो पुआ हम बना रहे हैं, तो इसमें डाला मैंने 2 कप आटा, 1 कप चीनी, और ये जो मसाले हैं, करीब 1 चम्मच इसमें जीरा लिया था मैंने, 2 बड़ी इलायची और 7 से 8 काली मिर्च, इसे कूट करके इसमें मिक्स कर दिया मैंने। तो इस मालपुए में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 कप आटा, 1 कप चीनी, और पानी जो हम डालेंगे इसमें, जितना आटा लेंगे उसका 3 गुना पानी। तो यहाँ 2 कप आटा लिया है हमने, तो 3 कप पानी डालना है हमें, और पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि जो बैटर है बहुत ज़्यादा गीला एक ही बार में ना कर दे, बट जितना पानी है, जितना आटा है, उतना पानी ज़रूर लें। तो यहाँ मैंने टोटल 3 कप पानी डालकर और इसे अच्छे से मिक्स करके ढक करके रख दूँगी। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है, और साथ ही साथ मैं मटन को भी देख रही हूँ, पुए की तैयारी हो गई मेरी, उसे ढक करके रख दिया मैंने। और अब देखिए, मसाले अच्छे से भून गए, तो अब इसमें मैंने डाल दिया पानी। तो करीब इसमें मैंने 2 ग्लास पानी डाला है, तो जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालें। मैंने अच्छे से इसे भूंज करके, अच्छे से फ्राई हो गया है मटन और सारे मसाले, और देख सकते हैं तेल भी अलग होने लगा है। तो अब हम इसमें लगा देंगे कुकर का ढक्कन, तो क्योंकि अब देखिए बॉईल आने लगा है, तो ढक्कन हम लगा देंगे साथ ही साथ, और 3 से 4 सीटी आने देंगे। तब तक इधर सीटी आ रही है, आप देख सकते हैं कुकर चढ़ा हुआ है मेरा। उसके बाद मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स फूलने के लिए दिए थे रात में, जिसमें मैंने पिस्ता दिया था 2 चम्मच, बादाम दिया था 2 चम्मच, काजू दिया था, खरबूज के बीज दिए थे, पॉपी सीड्स दिया था। इन सब का मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने रात में ही फूलने को दे दी थी, तो ठंडाई बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने देखिए अच्छे से पीस लिया है, और पीसने के बाद इसे मैं अलग निकाल लूँगी। और ये मैंने दही बड़ा के लिए उड़द की दाल को फूलने दे दिया था रात में, तो ये अच्छे से फूल चुका है। तो करीब एक कप उड़द की दाल है, इसे मैंने फूलने दिया था। अब इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो एक कप उड़द की दाल देखिए फूलने के बाद कितनी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है। तो ये अच्छे से देखिए इसका स्मूथ पेस्ट मैंने बना लिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ पेस्ट है। हाथ से आप इस तरह से लगा के देखें, अच्छे से ये पेस्ट तैयार हो गया। अब इसे हम एक बर्तन में निकालेंगे और इसे करीब एक मिनट तक हम इसे इस तरह से हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे ढककर रख दें करीब 20 मिनट के लिए। और इधर देखिए हमारे मटन का जो स्टीम है वो भी निकल चुका है, सीटी आ गई थी, 4 सीटी मैंने बंद कर दिया और ये मटन हमारा बिल्कुल तैयार है। आप एक पीस को उठा करके और हाथों से चेक करें, अगर ये टूट रहा है मतलब हमारा मटन बिल्कुल बनकर तैयार है। उसके बाद मैंने दूध चढ़ा दिया गैस पे और उसमें डाला मैंने करीब 1/2 लीटर दूध, और साथ ही केसर डुबे हुए थे पानी में मैंने उसको भी मिक्स कर दिया। तो 1/2 लीटर दूध और उसमें डाला मैंने केसर, और उसे भी अच्छे से अब हम थोड़ी देर पकने देंगे। तो जो दूध है उसे थोड़ा सा गाढ़ा होने देना है, 1/2 लीटर दूध है, थोड़ा सा उसे कम करना है हमें। अब आपको लगे कि दूध थोड़ा गाढ़ा होने लगा है तो आप इसमें डाल दें चीनी। तो चीनी भी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, मैंने इसमें करीब 4 चम्मच चीनी डाला है। और साथ ही साथ ये देखिए दही बड़ा का जो हमने ये बैटर को मिक्स करके रखा था ये अच्छे से, तो देखिए ये थोड़ी देर बाद हम इसके छोटे छोटे बाउल बनाएंगे हाथों से इस तरह से लेकर के, और इसे गरम तेल में डालेंगे। तो ये देखिए गरम तेल हो चुका है, मैंने पैन में तेल डाल के चढ़ा दिया था, और छोटे छोटे इस तरह से बॉल साइज़ के हम इस तरह से हाथों से दही बड़ा के लिए वड़ा बनाएंगे। और इसे मीडियम आँच पर हम पलटते हुए इसे गोल्डन ब्राउन करने तक आप इसे फ्राई करें। तो इस तरह से चम्मच से आप स्पून की मदद से आप तेल को बड़ों के ऊपर डालते रहे ताकि जब पलटे तो ये टूटे नहीं। तो ये जो ट्रिक है बहुत ही इजी ट्रिक है, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके बड़े कभी नहीं टूटेंगे। स्पून से आप ऑयल डालते रहे, तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे इस तरह से पलटते रहेंगे। ये हमारे जो बड़े हैं बिल्कुल अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो हम इसे निकाल लेंगे। इसे एक किचन टावल पे निकाल लें ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। और एक बर्तन में हम थोड़ा सा गुनगुना पानी लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना पानी, और उसमें डालेंगे सॉल्ट और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और गुनगुने पानी में ये जो वड़े हमने बनाए थे इसे हम डाल देंगे। तो इसे डाल करके हम करीब 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से स्पून की मदद से आप अच्छे से उसे डुबो दें और इसे छोड़ दें। इन द मीनवाइल देखिए हमारा जो पुआ घोल तैयार किया था हमने मालपुए के लिए आटे और पानी और शुगर का, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भी अच्छे से हमने बनाकर पहले रख दिया था, तो ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये होनी चाहिए। तो इस तरह से आप एक स्पून की मदद से आप बीच बीच में ऑयल के बीच में जब गर्म हो जाए ऑयल, तो इस तरह से आप पुए को डाल दें। और बिल्कुल उसे उस समय आप नहीं छुएं वरना ये जो पुआ है टूट जाएगा। तो इसे थोड़ा सा ऑयल से अलग होने दें, जब आपको लगे कि ये बिल्कुल ऑयल से अलग हो चुका है तो आप तभी इसको टच करें। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने यहाँ टच नहीं किया है इसको, थोड़ी देर बाद जब ये अपने आप ऊपर आ गया तब मैंने इसे पलटा। तो आप देख सकते हैं पुआ बनाना, मालपुआ बनाना कितना ईजी है। फटाफट से घोल तैयार किया हमने और इस तरह से ऑयल के बीच में स्पून की मदद से डाला, और इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसे फ्राई करें और उसके बाद आप इसे निकाल लें। तो इस तरह से ही मैं बाकी के पुए बना लूँगी। टाइम की कमी है इसलिए मैंने आपको पूरा नहीं दिखाया है, एक पुआ बना के दिखाया। और इधर देखिए जो वड़े हमने पानी में डुबोए थे इस तरह से हाथों के बीच में लेके इसका जो पानी है एक्सेस पानी उसे निकाल लेंगे। तो मैं ये सारे काम साथ ही साथ करते जा रही हूँ ताकि जो मेरी थाली है फटाफट से तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं उधर मैंने पुआ भी डाल रखा है, एक पुआ भी बन रहा है, और एक तरफ मैंने गैस पे पानी चढ़ा दिया है जिसमें मैंने राइस धो के डाल दिया है। तो पानी में मैंने करीब आधा कप राइस डाला है। तो आप देख सकते हैं राइस को मैं अच्छे से बकपकने दूंगी, और बीच बीच में आप उसे इस तरह से चेक करते रहें। तो आपकी क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आप कितना राइस बनाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर करीब 4 ग्लास पानी डाला है जिसमें 1/2 कप पानी राइस लिया है। और देखिए ये कटहल है, तो कटहल को इस शेप में मैंने कटवा के मंगवाया है मार्केट से, और उसके साथ ही मैंने 2 आलू लिया है। और कुकर में अब मैं ये कटहल कटे हुए डालूंगी और साथ ही साथ 2 आलू डाल दूंगी, और राइस भी मेरा चढ़ा हुआ है, और एक तरफ मैं पुआ भी बना रही थी। तो पुआ बन गया है, अब देखिए ये सारे चीज़ों को मैं अच्छे से पानी में डुबो दूंगी। और डुबोने के बाद ये देखिए मैंने एक तरफ ये कटहल को चढ़ा दिया है, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे मैंने दही निकाली है, तो करीब 1 कप दही है, उसे मैं फटाफट से अच्छे से फेंट रही हूँ। दही बड़ा के लिए दही जो अच्छे से फेंट दे, और उसके साथ ही उसमें डालें नमक स्वाद अनुसार,
नमक डाला मैंने करीब आधी छोटी चम्मच और शुगर डाला मैंने 1 से 2 चम्मच। तो मीठी दही तैयार कर रही हूँ मैं, दही बड़ा के लिए बहुत ही टेस्टी बनता है और साथ ही साथ मेरा राइस भी हो रहा है और देख सकते हैं आप एक तरफ कटहल को भी उबालने के लिए चढ़ाया हुआ है मैंने। तो ये सारे काम मैं साथ साथ कर रही हूँ और देखिए दही को अब हमने फेंट दिया है अच्छे से। जो वड़े हमने पानी से निकाल के हाथों से दबा करके रखे थे अब हम उसमें दही डालेंगे। तो ये जो प्रोसेस है आप पहले भी करके रख सकते हैं, खाने के समय अगर आप करेंगे तो फिर आपका दही जो है वड़ों के अंदर नहीं जाएगा। तो इसे मैंने ढककर दही के साथ रख दिया है और इधर मेरा राइस भी हो चुका है और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कटहल भी हो चुका है। तो ये कटहल बॉईल हो चुका है। ये कैसे बॉईल हुआ है या नहीं ये देखने के लिए आप एक नाइफ़ लें और इस तरह से गरम गरम कटहल को निकाल करके हाथों से दबा के देखें। ये देखिए बिल्कुल हो चुका है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। और कटहल को भी हम इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे, जो भी थोड़ा सा भी एक्सेस पानी हो ड्रेन करने के बाद बच गया हो उसे निकाल लेंगे। और ये जो दूध था ये जो हमने बॉईल करने के लिए रखा था ये बॉईल हो चुका है, वापस से मैंने उसे चढ़ाया है। और जो हमने ठंडाई के लिए ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट तैयार रखा था उसमें से मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें वो पेस्ट डाला है और उसे भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये ठंडाई का पेस्ट जो है इसे आप स्टोर करके भी फ्रिज में रख सकते हैं, तो उसे 3 दिन ये आराम से स्टोर होकर रहता है। आप जब मन करे तब बनाए, एक ही बार मिला देने के बाद पूरी ठंडाई आप इतना जब पीना है तभी बनाए। तो मैंने 1/2 लीटर दूध में यहाँ पर 2 चम्मच ये ठंडाई के बड़े जो मिक्स है इसे डाला है और अच्छे से मिक्स कर दिया है और उसे 1 से 2 मिनट तक हम गैस पे पकने देंगे और उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर। अब हम कटहल बनाएंगे। तो एक पैन में मैंने ऑयल डाला, सरसों ऑयल डाला है मैंने यहाँ पर करीब 4 बड़े चम्मच। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से गरम मसाला, जो खड़े मसाले होते हैं वो मैंने डाला है इसमें। 2 बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, लाल मिर्ची, ये सारी चीज़ें डालने के बाद ये थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है 2 बड़े प्याज। तो 2 बड़े प्याज को मैंने इस तरह से अच्छे से कट कर लिया था और गैस को हम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे और प्याज को थोड़ा सा हम हल्का सा लाइट कलर आने देंगे, प्याज में थोड़ा पिंकिश कलर आने देंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाला हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर डाला, धनिया जीरा पाउडर डाला इसमें मैंने, धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये गरम मसाला मैंने इसमें डाला और गरम मसाला डालने के बाद ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसमें डाला मटन मसाला मैंने, थोड़ा सा मटन मसाला, जिससे इसका कटहल का टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाएगा। थोड़ा सा मतलब सारी चीज़ें मैंने आधी आधी छोटी चम्मच डाली है, धनिया पाउडर को बस 1 चम्मच डाला है। और ये जो कटहल है इसको जो हमने हाथों से प्रेस करके रखा था इसे भी डाल देंगे यहाँ पर और इसे अच्छे से हम यहाँ मिक्स करेंगे। तो मैं यहाँ दिखाना आपको भूल गई हूँ, तो यहाँ इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच डाला है। और आलू जो हमने बॉईल करके रखा था उसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और उसे ही हम साथ साथ इसमें मिक्स कर देंगे और तब हम उसके बाद इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। तो सारी मसाले जैसे हमने मटन में डाले उस तरह से ही हम कटहल में भी डालेंगे, क्योंकि कटहल का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल मटन की तरह बनता है। तो जो वेज खाते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाना पसंद करते हैं, वो इसे ज़रूर खाएं, बहुत टेस्टी लगता है, नॉनवेज की तरह ही बिल्कुल टेस्ट आता है इसका। तो इसे देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला, करीब 2 बड़े चम्मच पानी डाला ताकि मसाले जो है जले नहीं, और इसे हम मीडियम फ्लेम पर हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। तो इस तरह से देख सकते हैं, पानी डालने के बाद मसाले को अच्छे से तरह से हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर, ढक दें और ढकने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे। 1 से 2 मिनट बाद देखिए जब हमने पैन का ढक्कन हटाया तो बिल्कुल पानी जो है सूख चुका है, जो थोड़ा सा हमने पानी डाला था, और मसाले भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और उसके बाद हम इसे वापस से थोड़ी देर के लिए इस तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें पैन का ढक्कन लगाएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। आप इसे लगातार पलटते रहें, पकाते रहें। तो ये देखिए ये मेरा चावल जो है बिल्कुल हो चुका है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, 1/2 कप चावल ही बनाया है मैंने। और साथ या ढक्कन हटा के कटहल को चेक करेंगे तो ये देखिए हमारा कटहल बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। हम मुझे एकदम बिल्कुल सूखी सब्ज़ी ही बनानी थी, क्योंकि मटन मैंने ग्रेवी वाली बनाई है, तो इसलिए ये सूखी सब्ज़ी हमारी तैयार है। गैस को ऑफ कर दे तो हमारी सारी चीज़ें बनकर तैयार हो गई है, कटहल की सब्ज़ी भी बन गई है। अब हम दही बड़ा की प्लेटिंग करेंगे। तो अब देखिए दही बड़ा को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर देखिए ब्लैक पेपर पाउडर, आपको जितना पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें डालें, और जीरा पाउडर। उसके बाद इसमें ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, काला नमक, लाल मिर्ची पाउडर, और घर की बनी हुई इमली की चटनी भी मैंने रखी है, इमली की चटनी डालेंगे इसमें। अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है तो आप इसमें टोमेटो केचप भी डाल दें।
ये जो हमारा दही बड़ा है खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे से दही के अंदर जो मैंने इसे डाल के छोड़ दिया था बहुत टेस्टी, और लास्ट में इसे गार्निश करें बूंदी से। तो एक तरफ हमारी दही बड़ा बनकर तैयार, ठंडाई भी अब हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसे सर्व करने के लिए इस तरह से छान लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स का निकले मसाला उसे हम अलग कर दें, इसे आप बाद में यूज़ करें। तो ठंडाई को भी अब हम सर्व करेंगे। तो सारी चीज़ें बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो आप देखिए, दही बड़ा बनकर तैयार है, कटहल की सब्ज़ी बनकर तैयार है, और बहुत ही टेस्टी यम्मी मटन बनकर तैयार है, उसके साथ ही ठंडाई तैयार है, थोड़ा सा सैलेड रखा है मैंने, राइस और मालपुआ। आने वाली होली में बिल्कुल टेंशन नहीं लें, जिस तरह से मैंने ये थाली तैयार की है बस मेरी रेसिपी को देखें और इस तरह से ही अपनी थाली तैयार कर लें, तो आपके जो गेस्ट आएंगे, मेहमान आएंगे, आपकी तारीफ़ करते रह जाएंगे। तो ये थाली कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।